गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 56 तक कर लिया था, है ना। चलिए 57 करते हैं। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज क्यूबॉइड विद ए स्क्वायर मीन, तो सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड वो क्यू इनटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, लेकिन एल और बी इक्वल है होता है। मान लो ये एक्स तो ये भी कितनी होगी, एक्स होगी, ये एक्स हाइट कितनी होगी, वाई हाइट वाई, और ये एक्स, ये हो गया हमारे पास टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ये क्वेश्चन मान आ गिवन है आपको, ये ना ये तो ये गिवन नहीं, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन, ये तो प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ एल बी और एच, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। इसे आपको प्रूव करना है मिनिमम का वैल्यू है क्यूब, क्यूब का होता ऑल साइड्स इक्वल, यानी x इक्वल टू क्या प्रूव करना है y। कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, एक मिनट लगा हूं क्वेश्चन करने के लिए। यहां से किसको डालेंगे, y को, यहां से, है ना, यहां रखेंगे y हटा के, तो पेंच करेंगे जीरो के बराबर किसके लिए, y की, b की, b को यहां पुट कर देंगे तो x इक्वल टू क्या प्रूव हो जाएगा, बेटा बेटा पेंच करेंगे मैक्सिमम वैल्यू पता करिए। स्टार्ट बाकी चलाओ ना। करिए ऑनलाइन सब समझ में आ गया। दो रिलेशन है, show that the semi vertical angle of the right circular cone of given right height, the right circular cone of given right height, ye l given hai, ye h hai, r hai, alpha, semi vertical angle aapko prove karna hai tan inverse 2, l given hai aapko, kab वॉल्यूम मैक्सिमम, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, गिवन क्या है आपको एल, यानी एच और आर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ एल कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हम डायग्राम से साइन अल्फा लेंगे तो आर अपॉन आर आएगा, और कॉस अल्फा लेंगे तो एच अपॉन आर, आर की वैल्यू होगी एल साइन अल्फा, तो यानी कि एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो गया,
और एच क्यू वैल्यू एल कॉस अल्फा, तो बी इक्वल टू आ गया पाई बाई थ्री एल स्क्वायर इनटू एल कितना हो गई एल क्यूब हो गया, चाहो तो साइन स्क्वायर अल्फा होगी तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा पाई बाई थ्री एल क्यूब कॉस अल्फा माइनस कॉस क्यूब अल्फा, ये बन गया क्वेश्चन हमारे, ठीक है। अब करिए यहां पे डिफरेंशिएट करिए डी वी ओवर डी अल्फा करिए जीरो के इक्वल रखिए उसे टेन अल्फा निकल आएगा ऑटोमेटिकली आप, सही है, पर डबल डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिलेंगे करिए तो आपके अंदर 3 मिनट है क्योंकि कैलकुलेटर थोड़ी ज्यादा है। ऑनलाइन समझ में आ गया? यस सर। ना हो गया और उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करेंगे प्लस इन दोनों टोटल को लग जाएगा cos अल्फा एजी sin अल्फा का cos अल्फा प्लस sin अल्फा एजी cos अल्फा स्क्वायर अल्फा पर 2 cos अल्फा द्वारा करेंगे माइनस का sin अल्फा कितना आ गया पाई बाय 3 एल क्यूब cos अल्फा तो सब में कॉमन आ रहा है बट इधर मान लो cos का कॉमन माइनस 1 प्लस 3 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का ये माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा क्या आएगा 2 अपॉन रूट 3 यानी कि 2 अपॉन 3 हो जाएगा, ये तो बढ़ गया इससे ये आ गया पाई बाय 3 एल क्यूब इनटू 1 अपॉन रूट 3 या माइनस का 4 अपॉन 3 नोट कर लिया तुमने रख कर दूं ऑनलाइन करो रख कर दूं बेटा यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bobby, go ahead. Hello. नेक्स्ट क्वेश्चन करते देंगे आप क्वेश्चन नंबर 16 शो डेट अ सेमी वर्टिकल लाइन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विच राइट सर्कुलर कोन आया विच सेमी वर्टिकल लाइन ने लिया था अल्फा आपके अल्फा को बनना है साइन इनवर्स 1/3 given surface area होगा pi r plus r और maximum volume v equal to 1/3 pi r square तो अब क्या r और h को x की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सरफेस एरिया गिवन है तो यू आर क्या गिवन से लाइन राइट फ्रेंड राइट की टर्म में कन्वर्ट कर लिया था है ना आपके किसके टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सरफेस एरिया की टर्म तो देखिए इसके लिए सरफेस एरिया में आ रहा है r और h और हम क्या कर रहा r और h कौन फालतू है H तो H की तरफ आएगा आपको भी H R क्या लगाएंगे तो H के लिए आ जाएगी अंडर रूट क्या L स्क्वायर माइनस R हम लोग R और L आ गए यहाँ भी R और L है इस पर आपको R को L को क्योंकि R दो दो जगह घटाना पड़ेगा यहाँ भी और L एक जगह घटाना पड़ेगा ठीक है यहाँ से L की वैल्यू आएगी S अपॉन पाई R माइनस R इसे याद रखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एल की वैल्यू एस अपॉन पाई आर माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बोलो समझ में आ गई कितना बन गया हमारे पास ये 3b अब 3b इक्वल टू पाई 3 को बदल दिया हमने बाकी पाई आर स्क्वायर ऐसे यहां ए माने भी को स्क्वायर कर लेगा एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 एस आर अपॉन पाई आर माइनस आर स्क्वायर ये कट गया इससे r से r तो 3b इक्वल टू हो गया पाई r स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई ठीक है फिर इस पाई r स्क्वायर के रूट अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरे कितना हो जाएगा ये s स्क्वायर पाई स्क्वायर r पूरा हो जाएगा अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर ऐसे माइनस 2s पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन पाई ऐसे पाई स्क्वायर कट गया आपकी पार्ट को सर स्क्वायर कट गया पाई से पाई कितना के 3b इक्वल टू अंडर रूट s स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s पाई r की पावर या ठीक है भाई बोलो तो कल हम तो इधर से यहां तक अब व्हाट टर्म पड़ेगा इस कैलकुलेशन के अंदर अंदर का कैरेक्टर में z पावर बस कर लिया अभी z इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s पाई r की पावर dz और dr करेंगे 0 के इक्वल आपकी किस पे वो आएगी s की s के लिए हालत देंगे तो उससे रिलेशन आ जाएगा इसमें l में और r में फिर sin अल्फा से देख लेंगे r अपॉन l करके यहां पर आ रहा है ठीक है ना फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे ठीक है चलिए शुरू हो जाएगी समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस सर यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन करें मेरा प्रज्ञा चलिए बेटा
सार्थक कर लिया चलो नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 61 हाइट ऑफ रिएक्शन का सिलेंडर और मैक्सिमम वॉल्यूम अब दो डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे डायग्राम के अंदर डायग्राम है ना हाइट ऑफ सिलेंडर और मैक्सिमम वॉल्यूम इन इज डिराइव्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट कोन के अंदर सिलेंडर बनाएंगे मैंने पहले बताया था जो भी हमारे आंसर आते आ रहे हैं ये सब जेई में स्टैंडर्ड रिजल्ट काम करेंगे इसकी हाइट ही एच डेल की है और इसकी रेडियस ये आ रहा है हमारे पास है ना रेडियस आ अब हमें प्रूव करना है जो इसके अलावा हमारा सिलेंडर क्या तकड़ा है एच है तो प्रूव करना है कि एच इक्वल टू एच वाई की प्रूव करो एच इक्वल टू क्या प्रूव करना है बोले एच वाई अब देखो मैक्सिमम वॉल्यूम 1/3 सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है तो पाई आर स्क्वायर है छोटे इसकी रेडियस को बेटर आ रहा है आपको है ना तो आंसर किस पे लाना है आपको आंसर लाना है हाइट वर्सेस हाइट पे लाना है इन्हें रेडियस का कोई काम नहीं हटाना किसको पड़ेगा यहाँ से रेडियस बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हमने कर लिया कि ले लिया पॉइंट डी ई है ना ये आप ले लिया सिंस ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए एफ सी बाई जियोमेट्री सीधे सीधे एक स्क्वायर क्यों है कैसे तो आपको पता अपने को नहीं ट्राइंगल सिमिलर तो साइड क्या होंगे इसकी प्रोपोर्शन में होंगे यानी कि ए डी अपॉन ए एफ इक्वल होगा डी ई अपॉन एफ सी के सही है अब AD कितनी होगी देखो टोटल हाइट कितनी है स्मॉल है कितनी है कैपिटल है इसमें कितनी होगी यहां से यहां तक h माइनस है AF क्या है इसकी रेडियस h d क्या है कैपिटल r और FC क्या है स्मॉल तो कैपिटल r के लिए यहां से होगा यहां से देखिए ना क्या है यहां से कैपिटल r की वैल्यू r into h minus h upon h सिनेरियो तो उसके अंदर तो b इक्वल टू पाई R की वैल्यू R into H minus H upon H square 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 into your H is B equal to pi R square ऐसी और अब हम जब डिफरेंशिएट करेंगे किस रेस्पेक्ट में करेंगे क्या बेटा ना स्मॉल h स्मॉल h तो गिवन है कौन गिवन है और जो गिवन होता है वो क्या होता है कांस्टेंट तो बस आप उसको सॉल्व करके लिख दीजिए सॉल्व करके लिख लीजिए बात ना तो dv ओवर dh करेंगे क्या बेटा ऐसे रेस्पेक्ट में उसे जीरो के इक्वल रखिए उससे ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा तो डबल डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम जो प्रूव करना है ठीक है भाई ऑनलाइन समझ में आ गया आपको यस सर यस सर यस सर सही है ना
डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे मैक्सिमम मिनिमम को, सही है ना? चलो जल्दी पूरा करो, किस किस का हो गया ऑनलाइन में? हो गया सर। हो गया सबका? हो गया भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्लियर सारे थे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 62 वन में हमारे पास एक्स मीटर का वायर, उसको हम लेते हैं फोल्ड करके, क्या बनाते हैं हमने स्क्वायर, तो जो एक्स मीटर लेते हैं वो क्या काम करेंगे इसका? पेरिमीटर। हाँ, पेरिमीटर है सर्कमफेरेंस, सही है ना? अगर स्क्वायर बना रहे हैं पेरिमीटर, अगर एक्स मीटर के वायर है तो घुमाएंगे, है ना? तो ऐसे घुमाएंगे उसको, ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो स्क्वायर बनेगा हमारे पास, नहीं बनेगा बताओ? सेम तो एनी वे जो एक्स मीटर के वायर है उसका काम करेंगे पेरिमीटर। अगर हम x मीटर वाले स्क्वायर बना रहे हैं, पेरिमीटर का मतलब स्क्वायर 4x, 4 इनटू साइड होता है ना, तो एक साइड क्या हो जाएगी इसकी xy 4, अगर साइड x है तो एक साइड कितनी हो जाएगी इसकी xy 4, तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, जो मेरा गलती बात समझ में आई। अब ऐसे दूसरा जो 36 x माइनस वाला स्क्वायर है उसको ऐसे राउंड करके फिर सर्किल बना दिया, तो जो 36 माइनस x लेंथ हो किसका काम करेगी सर्कमफेरेंस का, यदि 2 पाई आर का काम करें तो 2 पाई आर कितना हो गया हमारे पास 36 माइनस x, है ना? आर की वैल्यू कितनी होगी 36 माइनस x अपॉन 2 पाई, एरिया क्या हो सकेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई? आगे बढ़ता आ रहा है, और हम ये d ओवर dx 0 के इक्वल आके निकाल लीजिए x की वैल्यू, ठीक है ना? बस डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए, नेक्स्ट ग्रुप पर कर लीजिए, निकालेंगे आंसर।
हाँ ऑनलाइन आ गई एच की वैल्यू? यस सर। कितनी आई सर? 114 अपॉन पाई प्लस 4। 144 अपॉन पाई प्लस 4। 144 अपॉन पाई प्लस 4 कर लेते हैं। अब कुछ बात सुनिए ध्यान से मेरी। चलिए क्वेश्चन करते रहिए प्रैक्टिस, है ना, और करा देंगे आगे भी। अभी आप भी छोड़ दो बेटा। यस सर। आप भी कर दो। यस सर। जिससे कह रहा कोई गैर वाली समझी करेंगे। हर्ष कुमार आप भी करो। नमे। यस सर। ठीक है आप भी करो। अच्छा सर ये आप भी करो। ये कर दो। अजीब से हैं बच्चे हमारे यहाँ पर। गर्भ भारत के पल्लवन यहाँ जिसको जो वो भी कर गया। अरे असल तो मतलब जो बोला था मैंने।